प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम प्रोजेक्ट आइडिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो एक होम ऑटोमेशन पे होगा, जो कि ये वाईफाई होगा। आप किसी भी जगह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसको बनाने के लिए हमने 4 बटन लिए हैं, ये मैनुअली प्लस आपको मोबाइल से दोनों से कर, और 4 रिले मॉड्यूल। ये 4 चैनल बना रहा हूँ और एक नोड MCU है 8266। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 स्विच को एक एक लाइन पर मैंने इसको पैरेलली जोड़ दिया फॉर नेगेटिव, और जो सिंगल सिंगल है तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, और सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्शन कर लें। जैसे एक स्विच, दूसरा स्विच, इस तरीके से मैं चारों स्विच की कनेक्शन कर दिया हूँ, और अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, आप सर्किट को देखेंगे तो ये आपको बना लेंगे, क्योंकि बहुत इजी सर्किट है। रिले मॉड्यूल में 6 पिन होते हैं, ग्राउंड, पॉजिटिव, और रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4। तो सारे कनेक्टिविटी आपको इसमें हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि हम एक इसकी ब्लिंक ऐप खोलेंगे। अपने गूगल पे जाएंगे और ब्लिंक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पे जाते ही लिखेंगे एक स्मार्टफोन जिस नाम से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे नोड MCU। बहुत इजी है फ्रेंड, आप सिर्फ देखेंगे वीडियो समझ जाएंगे। यहाँ से आप नोड MCU यूज़ करेंगे, जैसे आप नोड MCU सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि आपके जो भी आपका मेल आईडी होगा उस पर चला जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये नोड MCU को किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये एक हमारा ये मैसेज जो होगा, टोकन नंबर, ये चला जाएगा मेल पे। तो वहाँ से कॉपी करके आपको कोड में डालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आगे दिखाता हूँ। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 4 बटन डिज़ाइन कर, जो प्लस का साइन देख रहे हैं आप ऊपर, उसे क्लिक करेंगे और ये प्रेस करेंगे बटन, 4 बटन लेना हो तो सेम ऐसे ही करेंगे। फिर प्लस पे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, 2 हो गया, फिर बट प्लस पे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, इस तरीके से 4 हो जाएंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बारी बारी आप खोलेंगे नंबर 1 को। जैसे आपने क्लिक किया बटन नंबर 1, उसमें आप क्लिक करोगे और इसको वर्चुअल मेमोरी पे कर देंगे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, वहाँ से वर्चुअल मेमोरी 1 0, और पुश स्विच के पास में आपका वो बटन होगा। इसी तरह नंबर 2 को VPN नंबर 2 कर देंगे, 1 0 स्विच ऑन कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी देखिए, आप अपना मेल आईडी खोलेंगे तो वहाँ आपको ये टोकन दिख जाएगा, जो टोकन है यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आप इसको कोड में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने कॉपी किया, और अपने यहाँ पे मैं इसको, ये आर्डिनो कोड है जो कि मैं यहाँ पे लिखा होता है टोकन डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। और उसी के नीचे आपको होगा आपके जो भी वाईफाई के पासवर्ड होंगे, वाईफाई नेम होंगे यहाँ पे। जैसे मेरा वाईफाई नेम है प्रोजेक्ट आइडिया, तो मैंने प्रोजेक्ट आइडिया लिख दिया,
और मेरा पासवर्ड जो है वो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद और इसमें आपको पासवर्ड डाल दो, अब मैं इसको टूल्स पे जाऊंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा अपना बोर्ड। ये हमारा बोर्ड है नोड एमसीयू की 8266-12E, उस पर सेलेक्ट करूंगा और कॉम पोर्ट देख लूंगा। मेरे केस में कॉम पोर्ट 3 है, तो कॉम पोर्ट 3 पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे अपलोड कर दूंगा। अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। अभी हमारा सब कुछ रेडी टू यूज़ है। अब जैसे मैंने ये क्लिक करूँगा ऑन, देखिए ऑन हो गया, ऑन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस पर कोई भी आप 220 वोल्ट के रिले पे आप लोड देख सकते हो, फैन, लाइट, एनीथिंग। मैं स्विच से देखिए मैनुअली भी ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ऊपर भी बंद हो रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड इस तरीके से ये काम करता, बहुत ही अच्छा सर्किट है, आप इसको बनाइए। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करें एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। आप इस तरीके से सपोर्ट करते हैं तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा। कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।